सबसे पहले का काम है एज यूजुअल फ्यूल, एज यूजुअल ट्रैफिक। ओ हो 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 हो, अच्छा खासा ट्रैफिक है भाई, अच्छा खासा। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। सो आज निकले हैं छोटा इधर उधर का काम करने के लिए, शायद कैमरा वैमरा लेने का कुछ प्लान बन जाए। एक भाई हैं, उन्हें कुछ कैमरा चेकआउट करना है, अगर समझ आता है तो ले लेंगे। बैठ के पहले थोड़ी सी वार्तालाप करी जाएगी, थोड़ा समझा जाएगा। चलते हैं एज यूजुअल अड्डे पर। और आज ये टैंक बैग मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हल्का फुल्का अगर सामान होगा, कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो होती हैं जो पॉकेट में नहीं आ पाती, पॉकेट जिनके लिए थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, उसके लिए आज मैंने बैग ले लिया। बैकपैक से बेटर है टैंक बैग, भूसा अगर है तो टैंक बैग बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपकी छुटपुट चीजें जो होती है वो टैंक बैग में ही आ जाती है। सो आज इसलिए मैंने टैंक बैग ले लिया है। बहुत दिन हो गए थे इसे यूज नहीं करा था, पड़ा पड़ा कह भी रहा था कि यार यूज कर लिया करो मेरे को, मालिक ऐसे ना भूला करो। तो आज मैंने इसकी मन की पूरी कर दी। तो भाई यहाँ मिलेंगे प्रदीप भाई और उनके साथ चलना है, शायद कैमरे वैमरे की कुछ बात करनी है, दो चार एंगल बढ़ाएंगे हम भी, अगर बढ़ जाए तो वीडियो थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, मजा आना चाहिए देख के ना। सो इसलिए कुछ प्लानिंग चल रही है। हाँ मयंक भाई भी यही बैठे हुए हैं। अच्छी लग रही है, कलर अच्छा लग रहा है इसका, मैट है ना ये, तो ओरिजिनल है। ये वाला मैच कर दिया, ये अच्छा लग रहा है यार, मड़गाड़ ना। हाँ अच्छा लग रहा है, सही बना रखी है एक्रापोविक। सो भाई अब यहाँ से निकलने की तैयारी, बाइक लगा दी है वार्म अप के लिए, और देखो आज शायद कुछ एक नई चीज ऐड होती है कलेक्शन में। ये यहाँ से निकले, अभी थोड़ी देर में यही आना है क्योंकि यहाँ से अभी कॉफ़ी पिए बस, उसके अलावा अपना ज़रा सामान वगैरह ले लेते, उसके बाद वापस आएंगे, फिर बैठेंगे यार दोस्तों के बीच में, फिर थोड़ी सी बकवासबाजी चलती रहती है, थोड़ी मस्ती चलती रहती है। एडवेंचर वाले भाई पीछे ना रह जाए, थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी। एडवेंचर वाले भाई प्रदीप भाई, प्रदीप भाई कह रहे थे, कहते मैंने कहा यार तुम पीछे ना रह जाना, मैं चलाऊंगा तो ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा पीछे रह जाओ, ध्यान रखना कवर करके चलना। कह रहे भाई तुम मेरे को जानते नहीं हो, तुमसे आगे आगे रहूंगा, हंसने लग गए मेरे पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। ये मोबाइल माउंट कितने का लगवाया था? 4000। ठीक है, अच्छा है, वाटर प्रूफ वाटर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा ना। हाँ वो ज्यादा बेटर है, और बोबो का वैसे भी महंगा ही आते हैं, इधर उधर लगाने का झंझट भी खत्म है। चलो मैं क्या कह रहा था कि मतलब दो चार ना एंगल बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वीडियो में ना थोड़ा मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन प्लेन सी वीडियो हो जाती है, तो उसकी वजह से दो चार एंगल बढ़ाने इसलिए जरूरी है। कैमरा एक्चुअली जो मेरे पास है, मेरे पास Insta360X2 एक है, Insta360X3 X2 और X3 ना इतने लंबे है वो, करीब मेरे को वो चीज ना थोड़ी सी खलती है कि यार हर जगह ना वो विंड ब्लास्ट झेल नहीं पाते, तो जैसे ही विंड ब्लास्ट लगता है तो वो थोड़ा मुड़ने वगैरह का थोड़ा ज्यादा डर रहता है उनका, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक और कैमरा बढ़ाया जाए जिससे कि मैं छोटे मोटे काम अपने निपटा लूं और विंड ब्लास्ट का जिसमें डर ना रहे। इसी को देखने के लिए अभी जा रहा हूं मैं कहीं पे। वैसे जो लोग डेरी से बिलोंग करते हैं और जो कैमरा वगैरह के बारे में जानते हैं और स्टोर के बारे में जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर, तो लाजपत नगर में कौन सी स्टोर है वो जानते हैं भाई, दोस्त पीपल हु आर फ्रॉम दिल्ली। तो एक आधा या फिर यहाँ या यहाँ कुछ मतलब एक पोजिशन बनाई जाएगी जिससे कि कैमरा थोड़ा सा बेटर पॉइंट मिल जाए मेरे को, अच्छा लगेगा, उसके लिए मेरे को चाहिए। और दो चार चीजें देखूंगा अगर समझ आ जाती है तो, वैसे भी अपने क्योंकि ये वाली बाइक जाके एक नई बाइक आने वाली है, अब कब आएगी ये मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ क्योंकि बुकिंग तो जा चुकी है। जिस भाई को नहीं पता कि बुकिंग जा चुकी है उनको मैं बता देता हूँ कि नई बाइक की बुकिंग जा चुकी है, अब वो कब आएगी डिपेंड करता है क्योंकि अभी ना थोड़ा गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, उन्हें अपना BS6 कंप्लायंस पूरा कर रही है नहीं कर रही, तो उसके बारे में ना कुछ शायद इनका कुछ गवर्नमेंट का कुछ फंडा चल रहा है जिसकी वजह से कंपनीज में जैसे TNR है, भूसा है, बाकी सारी बड़ी बड़ी जितनी भी गाड़ियां ये सारी रुकी हुई थी, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई थी इनकी क्योंकि इन्हें शायद एक डिवाइस ऐड करनी है, तो उस डिवाइस के चक्कर में अब शायद 25 मार्च के बाद ये बननी स्टार्ट होंगी गाड़ियां।
ऐसा कुछ मेरे को सुनने में आया है। बाकी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है। मेरी जो बाइक आएगी वो शायद अप्रैल के एंड या फिर मई में आ रही है, लेकिन जब भी आएगी आपको पता चली जाएगा। बड़े धूमधाम से कोशिश करूंगा कि उसकी डिलीवरी मैं लूं, थोड़ा इंजॉय करेंगे डिलीवरी पे, और शायद कोशिश करेंगे अगर आसपास के बंदे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा मीटअप, एक आधा बंदा तो मिलने आ ही सकता है मेरे से, एक छोटा सा मीटअप अनाउंस करेंगे इंस्टा पे। करें या ना करें ये एक बार मेरे को बताओ कमेंट करके कि मीटअप अनाउंस करें या ना करें। वैसे इतने व्यूज नहीं आ रहे मीटअप वाले, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, अभी नहीं आएंगे बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे, है ना। तो अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, जिस भाई ने मेरा पहले अभी व्लॉग देखा है जैंत्री इशू वाला, जिसने मेरा वो व्लॉग देखा है उसको पता होगा कि मैंने जैंत्री के कौन कौन से इशू, मतलब मेरे हिसाब से जो चीजें मेरे को समझ नहीं आई वो चीजें मैंने कौन कौन सी काउंट कराई है। तो मैंने अभी मयंक भाई से पूछा, मैंने कहा जैंत्री की इंजन ब्रेकिंग बेटर लगी आपको या जेंटू की? तो वो भी भाई कह रहे थे कि जेंटू की इंजन ब्रेकिंग ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग पे रिलाय नहीं कर सकते उषा के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इतना वेट है कि वो पता ही नहीं चलता, आपको ब्रेक दबानी ही पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंजन ब्रेकिंग से गाड़ी रोक दोगे बाइक रुक जाएगी, नहीं रुकती, आपको ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। तो ये चीज है उषा के अंदर, तो थोड़ा सा इसलिए। बाकी टेनार वगैरह क्या होती है कि ये इंजन ब्रेकिंग इतनी पावरफुल होती है इनकी कि आराम से रुकना स्टार्ट कर देती है, अच्छा खासा ब्रेक फील होता है, लेकिन उषा के अंदर वो ब्रेक फील ही नहीं होता। सो आ गए हैं फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर। वही आ गए फ्यूचर फॉरवर्ड में लाजपत नगर, और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, रास्ते में बताया था, कुछ परचेज करने का प्लान बन रहा है। मैंने जो लिया है वो कहाँ गया, ये रहा, ये है इंस्टा 361 RS, ये ट्विन एडिशन है, तो इसमें ये 360 भी बन जाएगा और 4K एडिशन, मतलब एक नॉर्मल कैमरा भी बन जाएगा, एक्शन कैमरा, और 360 वाला कैमरा भी बन जाएगा। तो लेंस है वो चेंज जब करना है। हेलमेट माउंट ले लिया मैंने, इसमें सारी एक्सेसरीज हैं, ये इंस्टा का आता है। और यहाँ प्रदीप भाई क्या ले रहे हो तुम? बहुत सारा सामान ले लिया ना, लेने तो कुछ आए नहीं थे तुम भाई, इन्होंने ले लिया। ये नए यूट्यूबर स्टार्ट हो रहे हैं अब, एक मार्केट में एक नया यूट्यूबर आ रहा है हल्ला मचाने के लिए, तो इन्होंने लिया है GoPro 11, माइक्रो एसडी कार्ड, इनविजिबल स्टिक, हेलमेट माउंट और मीडिया मोड 11 के लिए। तो ये सारी चीजें, अब इनका बिल बनने वाला है तकड़ा, मेरा भी बन चुका है तकड़ा, मैं हो गया हूँ खाली। अब भाई सपोर्ट करो और पैसे निकलवाओ जस्ट तक करके, यूट्यूब के ऊपर बहुत कर्जा हो गया मेरा, ठीक है। तो अब एंगल भी बनेंगे, एंगल भी चेंज होंगे, और एंगल चेंज होने के साथ साथ और भी चीजें आएंगी, क्योंकि अब बाइक आने वाली है अपनी, थोड़ा ही टाइम रहता है बाइक आने में। सो अब निकलेंगे लॉन्ग राइड पे, और मे भी हो सकता है प्रदीप भाई भी साथ साथ चलेंगे लॉन्ग राइड पे। वैसे कहने वाली बात है, ये पीछे रह जाते हैं एडवेंचर लेने के बाद, ये साथ साथ रहते हैं भूसा के, क्योंकि मैं ज्यादा तेज चलाता ही नहीं, ये तो आप लोग जानते ही हो, मैं ज्यादा तेज नहीं चलाता। इसकी बिलिंग कराते हैं, उसकी बिलिंग कराते हैं, वो जो उन्होंने सामान लिया है, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। वैसे पता, एक चीज और सोच रहा था, क्योंकि मैं जो यूज करता हूँ GoPro 10 यूज करता हूँ अभी जो फिलहाल है मेरे पास, मैं दिखाऊँ कहाँ पे रखा हुआ हेलमेट, ये रखा हुआ मेरा हेलमेट, तो जो इसमें लगा हुआ है वो लगा हुआ है GoPro 10। अब यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे देखा 9, 10, 11, 12 भी आया नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि 10 से 11 में स्विच करने के लिए। GoPro का स्टॉक देख के ना थोड़ा सा मन थोड़ा इधर उधर जाता है, चेंज करने का मन करा कि 10 से 11 में स्विच कर दूं, लेकिन भैया ने बताया कि ज्यादा डिफरेंस है नहीं 10 और 11 में, वेट करते हैं जब 12 आएगा तो 12 में डायरेक्ट स्विच मारेंगे। अभी मैंने इंस्टा वाला जो कैमरा है ट्विन एडिशन वो ले लिया है, इसे भी एक बार टेस्ट करेंगे। अभी मैं इसका लेंस गार्ड वेट कर रहा हूँ, लेंस गार्ड आ जाएगा ना तो इसे मैं ढंग से यूज कर पाऊंगा। अभी लेंस गार्ड नहीं है तो ज्यादा शायद मैं इसे यूज ना करूँ, या फिर कहीं और देखते हैं अगर लेंस गार्ड मिल जाता है, क्योंकि जितना जल्दी मिल जाए उतनी जल्दी मैं इसे यूज कर पाऊंगा। देखते हैं और क्या प्लान बनता है, जो भी होगा आपको पता चली जाएगा। यहाँ से निकलनी है कैमरा लेके, बहुत सारा खर्चा हो गया आज, बहुत सारा, बहुत बहुत बहुत। प्रदीप भाई ने लिया है GoPro 11 का मीडिया मोड, मेमोरी कार्ड और ये सब चीजें, और मेरे पास क्योंकि GoPro ऑलरेडी था तो मैंने लिया है इंस्टा। सो भाई जैसे से करके जाम से तो हम निकल आए, तेरी जगह ही नहीं दे रहा। एक्चुअली मेरा ना बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि मेरे को सेकंड कैमरा एक और, मतलब एक और सेकंड तो नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कैमरेज हैं ऑलरेडी, तो मतलब एक और स्पेयर कैमरा लेने का मन कर रहा था, जो कि मैं दोनों टाइम पे यूज़ कर सकूँ, जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकूँ। अब मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, या मन नहीं करा, या बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से मैं नहीं ले पाया था। अब फाइनली मौका मिल गया है और ले लिया है, तो अब कुछ कंटेंट निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, अपनी बाइक भी आ रही है तो धूम मचा देनी है, धूम। पैसा खर्च हुआ, रोने का मन कर रहा है।
सो भाई आ गए हैं यहाँ पे ढाबे पे कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। यहाँ पे अब करेंगे मस्ती थोड़ी सी, खाएंगे पिएंगे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए हैं। प्रदीप भाई कितने खर्च कर दिया आपने? 70। कितने? 70,000 रुपए। हे भगवान, इतने तो मैंने देखे भी नहीं। क्या क्या लाए हो आप, दिखाओ। अनबॉक्सिंग यही करोगे, कहाँ करोगे? यही कर देते। हाँ फटाफट खोलो कैमरा। खोलने के आगे कैमरा लगाना जरूरी है ना। अरे ऐसे नहीं है, वो पकड़ के एप्पल की तरह खुल जाता है। राव राव से। हाँ सही है भाई, सही है। अब तुम GoPro 11 वाले हो गए ना, तो 10 वाले की कदर थोड़ी करोगे तुम। हाँ। हमारी क्यों सुनोगे? संडे राइड का भाला नहीं करना मुझे। हाँ ये कुछ माउंट मिले। हाँ, माउंट है। GoPro सबसे कम एक्सेसरीज देता है ये। अच्छा, इसके साथ एंड्यूरो बैटरी आती है। यार एंड्यूरो बैटरी ना मेरे 10 में नहीं आई थी, ये वाला ज्यादा सही है। 11 में देते हैं शायद। हाँ 11 में एंड्यूरो बैटरी है। इसका बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा होगा। और ये इकलौती बैटरी वो 2700 रुपए की दे रहा था, जबकि 1800-1900 रुपए की नॉर्मल ब्लू वाली बैटरी मिल जाती है। देखो प्यार से ऐसे हटती है चीजें। चलो ये लो। ये पैक कैसे कर देते हैं, जैसे बाद में कभी खुलेगा ही नहीं। ये हुआ। ये लग गया। ये लगाई है बैटरी, ठीक है। ये कर दिया बंद। हो गया भाई उद्घाटन, हो गया GoPro। यहाँ पे क्या आ रहा है? 11। वाह ठीक है। ये सारा सामान आया है इसके साथ। जैसे करो एक मिनट के लिए साइड में, हम मीडिया मोड ऑन करते हैं। एक ये स्क्रू है, थंब स्क्रू। ये माउंट है और मीडियम मोड। ये रहा, ये वाला आपको तब जरूरत पड़ेगा अगर आप ये वाला माइक यूज करते हो तो। एक्सटर्नल माइक यहाँ से नहीं लगाते, तब जरूरत पड़ेगी इसकी। ये लगाया, लग गया। बस ये सारी चीजें, बाकी तो हेलमेट माउंट वगैरह। सो भाई ये था GoPro 11 की अनबॉक्सिंग। जो भी प्रदीप भाई सामान लाए उन सबकी अनबॉक्सिंग यहीं पे कर दी है ढाबे पे। आप पार्टी क्या दे रहे हो? पार्टी भी देंगे ना, पहले बजट बजट देखना पड़ेगा। तो भाई ढाबे का भी काम हो गया, और जो मैं इंस्टा 361 RS लेके आया हूँ, यार इतने लंबे चौड़े नाम ना मेरे को याद नहीं होते एक्चुअल में। जो मैं कैमरा लेके आया हूँ उसकी अनबॉक्सिंग आपको शायद देखने को मिलेगी या नहीं, नहीं जानता। मे भी हो सकता है उसकी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाए इंस्टा पे। पिकअप पिकअप पिकअप। सो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।